पहला कमाल हिकमत का है, दूसरा कमाल शुजात का है, तीसरा कमाल इफ्फत का है और चौथा कमाल अदालत का है। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत अकल के इतदाल को हिकमत कहते हैं। इंसान अकल और दानिश को इतदाल के साथ जब इस्तेमाल करता है और पूरे तवाजुन के साथ इस्तेमाल करता है, इसको हिकमत कहा जाता है। शुजात किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला इंसान के कुव्वत गज़ब रखे, गुस्सा रखा है, गैज़ व गज़ब रखा है, तो गैज़ व गज़ब को इतदाल और तवाजुन के साथ इस्तेमाल करने को शुजात कहते हैं। और तीसरी इफ्फत है। इफ्फत किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला इंसान में शहवत रखी है, जिंसी ख्वाहिश रखी है। शहवत और जिंसी ख्वाहिश को एतदाल और तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करने को इफ्फत कहा जाता है। और अदालत, अदालत इटसेल्फ एक एतदाल का नाम है, तवाज़ु का नाम है, अदल और इंसाफ के साथ किसी भी अमर को करने का नाम अदालत कहलाता है। इंसान के अफआल हो, इंसान के अमाल हो, ये तमाम के तमाम तवाज़ुन के साथ, अदल के साथ हो, जुल्म उसके अंदर शामिल ना हो, तो इसको अदालत कहा जाता है।